इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन पर छापा मारा। शाही आज सुबह 10 बजे कृषि भवन पहुंचे और इस दौरान कई कर्मचारी दफ्तर में मौजूद ही नहीं थे, जिसके बाद कृषि मंत्री के आदेश पर दफ्तर की गेट पर ताला लगा दिया गया। तो सुबह 10 बजे सूर्य प्रताप शाही का ये सरप्राइज विजिट। हालांकि देर से आने वाले अफसर और कर्मचारी दफ्तर के अंदर नहीं जा सके क्योंकि गेट पर ताला लगा दिया गया था। वो कैंप में ही जो आज ने देखा नहीं पूछो ले लिया हमने। आप क्या हैं? ये लड़का बहुत आगे बहुत कम लोग हैं, काफी लोग हैं, सही कहा कि मिल रहे हैं। इसका वैसे कहाँ है? इसके पास है। इसका वैसे जेल हो गया। जेल है, किसी की छुट्टी की एप्लीकेशन नहीं है ना आपके पास? छुट्टी की एप्लीकेशन मेंटेन कौन करता है? तो नहीं वो कैंप में ही जो आज ने देखा नहीं पूछो ले लिया हमने। आप क्या हैं? संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अनुशासन की बात तो यहाँ पर हर रोज आ रही है सामने, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें उन्होंने हर सीट पर जाकर ये देखा कि कौन कौन से कर्मचारी वक्त पर पहुंचे और कौन नहीं। देखिए, सूर्य प्रताप शाही जी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। उन्होंने कुछ देर पहले 10 बजे छापेमारी शुरू की है कृषि भवन में, और ये भी बताया जा रहा है कि न सिर्फ बाबू एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए हैं बल्कि कई अधिकारी लेवल, डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं वो भी अनुपस्थित पाए गए हैं। ऐसे सभी एम्प्लॉयज की जो अटेंडेंस शीट होती है, जो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है एसोसिएशन की तरफ से, विभाग की तरफ से, उनमें बाकायदा एंट्री की जा रही है। और सभी कर्मचारियों का जो यहाँ पे अनुपस्थित पाए गए हैं उनका एक का वेतन काटा जाएगा, एक दिन की उनकी सैलरी काटी जाएगी। और जितने सारे एम्प्लॉयज अभी गेट के बाहर खड़े हुए हैं, चूंकि गेट पे कृषि मंत्री ने खुद ताला लगवा दिया है, उनके सबॉर्डिनेट से ताला लगाया है, तो जो भी कर्मचारी फिलहाल ऑफिस में नहीं पहुंच पाया है उन सबकी एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। उनका जो अटेंडेंस शीट बनती है उससे मेंशन किया जाएगा, और जो नौकरी का चार्टर बनता है उस चार्टर में भी मेंशन किया जाएगा कि ये लोग अनुपस्थित पाए गए हैं, ये रेगुलर है अपने कामों में। और जिस तरीके से अटेंडेंस शीट के अलावा जो रजिस्टर बनते हैं, जो बही खाते तैयार किए जाते हैं, उनको भी यहाँ पे मिलाकर के ताकि किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जितने भी अनुपस्थित हैं या गैर हाजिर हैं या किसी भी वजह से उन्होंने अपने काम को सही ढंग से नहीं किया है। यानी अब यहाँ पर पहुंचकर हर जगह जाकर उन्होंने अलग अलग कमरे में ये देखा कि कौन अभी तक अपनी कुर्सी पर पहुंचा है और कौन नहीं। इमीडिएट एक्शन की बात भी सामने आ गई कि अब एक दिन की उनकी सैलरी काटी जाएगी, और इतना ही नहीं अटेंडेंस रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि आखिर कौन रेगुलर है और कौन इररेगुलर। बिल्कुल इररेगुलर हैं जो लोग, और जो लोग रेगुलर हैं उन सभी का एक अलग से चार्ट बनाया जा रहा है। बोला गया है जो छह अधिकारी उनको सभी का चार्ट निकालिए, कौन कितने बजे आ रहा है, कौन कितने बजे नहीं आ रहा है, इसको लेकर के तागीद पहले ही किया गया था। जब से कुछ दिन पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपनी कैबिनेट में और जो योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया था उत्तर प्रदेश, तो सीएम योगी खुद तो एक्शन में है, लेकिन उनके मंत्री अब किस तरह से एक्शन में है उसकी तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई। विशाल, नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।